मैं आज लाई हूँ आपके लिए दमपोख। तो इनके लिए ये जो चीज़ें हैं, इसमें ये बीफ है 2 kg, इसके लिए चर्बी है बीफ की, और ये 4 टमाटर हैं, 2 बड़े आलू लिए हैं जिनके 4-4 पीस या 2-2 पीस कर लें आप। ज़्यादा बड़े हैं तो 4 कर लें, छोटे हैं तो 2। और ये है ग्रीन चिली, गार्लिक है, ये साबुत ही रखना है। बाकी 2 टेबल स्पून जो है काली मिर्चें हैं, कुटी हुई मोटी मोटी रखनी है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। 2 ऑनियन हैं, बड़ी बड़ी काट लेनी है, 4-4 पीस कर लें आप। बाकी ऑयल है, एक प्याली ऑयल ले लें। बाकी एक हमने लिया है पेड़ा, तो वो जो है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि किस तरह करना है, वो आप देखिएगा अभी। तो ये हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रखनी है चर्बी। ये हो गई चर्बी हमारी। अब ये हमने बीफ रखना है इसी तरह से। जिनको चर्बी पसंद नहीं है वो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और जिन्हें चर्बी पसंद है और ऑयल भी अगर डालना चाहें तो थोड़ा ऑयल और बाकी चर्बी भी यूज़ कर सकते हैं। ये टमाटर डालने हैं हमने। अभी हमने ओनियन रखनी है। बस चर्बी से क्या है, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें। कुटी काली मिर्च, ये सॉल्ट और ये ऑयल। बस अब हमने ये सब बंद कर दिया। जो आटा है ये हमने चारों साइड पे लगाना है। मिनट ये आटा लग चुका है, तो सभी हमने स्लो फ्लेम पे लगा रख देना है। ये तकरीबन 2 घंटे पकेगा। 2 घंटे पकने का, बस रखना स्लो आंच पे ये, क्योंकि तेज नहीं करना, क्योंकि ये स्लो में पकता रहेगा और जब पक जाएगा तो फिर हम आपको एक दफा फिर दिखाएंगे। ये अब रेडी हो गया है। अब जरा हम इसे देखते हैं, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम ये डिश आउट करेंगे, और ये हो गया। ये देखें आप, ये आलू भी इसके और ये इसकी बोटियाँ। तो ये हो चुका है। अब हम करते हैं इसे
डिश आउट। ये दंपक रेडी हो चुका है। ये दम्पू बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमने सलाद भी रेडी कर लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।